हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। मार्केट छोड़ो यार, आज तो मैच देख के मजा आ गया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। द डायमंड ऑफ टुडेज मैच इज ओनली किंग। आई होप कि सभी ने मैच देखा होगा, किसी को इमोशंस फील हुए चाहे ना हुए हो। आई नो कोहली ने बहुत मुश्किल से वहां पर अपने इमोशन को कंट्रोल कर रखा था, और सीरियसली कोहली भाई उस टाइम रो पड़ते अच्छे से, लेकिन जैसे उन्होंने अपने इमोशन कंट्रोल किए हैं, वैसे हमें भी अपने इमोशन कंट्रोल करने पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट में हमें भी टाइम टू टाइम अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए मार्केट में प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस भी लेने पड़ेंगे। एनीवे, इंडिया ने तो आज पाकिस्तान को हरा कर अपनी दिवाली अच्छी कर दी, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और दिवाली के दिन हमारी मार्केट खुलेगी शाम के टाइम पे, और हमारे लिए ट्रेडिंग आवर्स होने वाले हैं 6:15 PM टू 7:15 PM। इसी के साथ इस दिवाली के दिन पर मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं कल के दिन फालतू में कोई भी पंगे नहीं ले रहा हूँ मार्केट में। आई एम कम्प्लीटली अवॉइडिंग टुमारोज मार्केट। हाँ, जो मैंने कुछ पोजिशंस उठाई है फ्राइडे को या थर्सडे को, और इसी के साथ जो भी मेरी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशंस है, तो मैं मंडे के दिन मार्केट की ओपनिंग होते ही स्टार्टिंग के ही 2 से 5 मिनट के अंदर अपनी वहां पर प्रॉफिट बुक करूंगा और इजीली बाहर हो जाऊंगा और माता लक्ष्मी जी को घर पे लेके आऊंगा। देखो, हमारे ना घरों में एक प्रथा होती है कि दिवाली के दिन हम रात को अपने घरों का जो मेन डोर होता है हम ओपन करके सोते हैं, ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर आए। तो उसी वजह से कि माता लक्ष्मी को रियलिटी में लाने के लिए हम भी वहां पर अपना पोर्टफोलियो में हल्की फुल्की या जो भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशन थी जो मैं BTST के लिए लेकर गया हूँ, वट एवर, तो वहां पर मैं प्रॉफिट बुक करके एक बार लेके आने वाला हूँ। और जहां पर रही मुहूर्त की बात कि हमें तो ये मुहूर्त करना है इन्वेस्टिंग के लिए, कि ये तो मुहूर्त ट्रेडिंग है, ऑब्वियसली है। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो, विद गॉड ग्रेस आई डोंट नो इट्स रियली हैपन, वहां पर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला था मुहूर्त ट्रेडिंग की अपने म्यूचुअल फंड में एक SIP कटवाकर, लेकिन विद गॉड ग्रेस ये तो बस किस्मत का खेल हो गया, जैसे मर्जी समझ लो आप, कि मेरी SIP कटनी ही उसी दिन है, तो मेरा तो ऑटोमेटिकली मुहूर्त ट्रेडिंग हो जाएगी। लेकिन हाँ, उस दिन आप SIP कटवाकर अपना मुहूर्त कर सकते हो, या फिर अगर आपको स्टॉक्स में भी करना हो तो आपका मन है तो आप वहां से भी मुहूर्त ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यह तो अपने ऊपर डिपेंड है कि हमें कैसे करना है मुहूर्त। इसी के साथ साथ अगर हम फ्राइडे के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो निफ्टी एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग करते हैं 70,622 की। फर्स्ट हाफ तक मार्केट एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट होती रहती है, और सेकेंड हाफ होते ही मार्केट में आती है प्रॉफिट बुकिंग, जो एक नॉर्मल सी थिंग थी, क्योंकि आगे आने वाली थी 2 छुट्टियां, तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी, और वही हमें देखने को मिली। और मार्केट में एक डिप हमें देखने को मिलता है, मार्केट का लो बनता है 70,520 का, और क्लोजिंग देता है मार्केट 70,576 की। इसी के साथ अगर हम FIO DII डाटा की बात करते हैं, तो फ्राइडे के दिन DII ने 100 करोड़ की सेलिंग करी है, और वहीं पर FIIs ने 400 करोड़ की बाइंग करी है। कोई बड़ा फिगर नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। इसी के साथ साथ ना कल के दिन मार्केट में रहेगी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी, तो उस वोलेटिलिटी के चक्कर में सीरियसली आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एनीथिंग, बिकॉज काफी ज्यादा ब्लॉक डील भी होंगी बिकॉज ऑफ मुहूर्त ट्रेडिंग, तो काफी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं पर्सनली कोई काम नहीं करने वाला हूँ। और अगर हम फिर भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं, तो 70,800 अभी भी हमारे पास इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, और इसी के साथ साथ 70,500 अभी भी सपोर्ट का काम करेगा। इसी के साथ साथ ना हो सकता है कल के दिन मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप शो शायद ना आए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट की ट्यूजडे मॉर्निंग तक वो एपिसोड मैं आप लोगों के लिए जहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कल के दिन है दिवाली,
और मुझे तो जलाने हैं देखो पटाखे, इसलिए मैं तो रहने वाला हूँ 2-3 घंटे बिजी, जहां पर सिर्फ मेरा ध्यान होगा पटाखों पर। और उस टाइम पर वीडियो भी रिकॉर्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सभी तरफ से पटाखों की आवाज आएगी, और ऐसे शोर शराबे में वीडियो को भी रिकॉर्ड करना दिक्कत हो सकती है। अगर हो सका तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठकर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली।